खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए, और मैं बिना कुछ बहाने के कुछ भी खाती रहती हूँ। और बंगालीरा तो है एक तो खाद्य रसिक, बट इस कुछ भी खाने के चक्कर में हम अपना हेल्थ का ध्यान रखना भूल ही जाते हैं। और इस सिचुएशन में हमें अपना हेल्थ का कुछ खास ही ध्यान रखना चाहिए, नहीं? लेकिन क्या करें भाई, खाना है, देखकर भी अनदेखा तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ठान ले कि हम हेल्दी रहेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे तो शायद हम ज़रूर कर सकते हैं, और आज हम वही करने वाले हैं। तो हेलो बडीज़, मैं हूँ विजेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे 7 डेज हेल्दी फूड चैलेंज। ये 7 डेज का चैलेंज मैंने कर लिया है, और इस 7 डेज में मैंने क्या क्या खाया, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स गो। गर्म पानी ले लिया, तो अब सोच रही हूँ कि एक जूस बनाऊँ जो कि है इसका, मतलब इसको सफ़ेद पेठा बोलते हैं शायद, तो ये मैं इसका जूस बनाऊंगी। और अगर अच्छा नहीं लगा तो दोबारा नहीं बनाऊंगी, लेकिन आज फर्स्ट डे है तो इसका बना के देखूंगी। जूस तो मैंने निकाल लिया, मतलब मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने हेल्प किया, लेकिन मेरा पूरा जूस निकल गया जूस निकालने में। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। कोई टेस्ट ही है नहीं, अच्छा है, पिया जा सकता है। और यहाँ मैं एक बात बता दूँ, 2 चीज़ स्किप किया हुआ है। एक है चीनी, मैंने चीनी यूज़ ही नहीं किया है। चीनी के बदले में मैंने गुड़ या तो हनी, ये दोनों यूज़ किया है। और जो किया है कि मैंने कोई भी तली हुई चीज़ नहीं खाई है। और थर्ड जो किया है, मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया है। अगर मैं मुझे भूख नहीं लगा तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो ये है मेरा फर्स्ट डे वाला लंच, एकदम कम तेल में बना हुआ घरेलू सादा सिंपल लंच। लेकिन दोपहर के बाद पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गैस जैसा हो गया था, मतलब भूख लग भी रही थी और नहीं भी लग रही थी, भारी भारी सा लग रहा था, लेकिन मुझे भूख भी लग रही। लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। और ये हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया हुआ था, और लंच के बाद मैंने 2-3 घंटे कुछ नहीं खाया था। मुझे एक्चुअल में भूख नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा माइंड में ऐसा चल रहा है कि शायद मुझे भूख लगा है। फर्स्ट डे को लंच के 2-3 घंटे बाद मैंने दही लिया था, और ये भी होममेड है, और मैंने इसको घर पे ही जमाया है। मैंने एक डिनर के लिए टाइम फिक्स्ड किया हुआ था कि मुझे इस टाइम के अंदर डिनर कंप्लीट करना है। थिंक मुझे गैस कंटिन्यू हो रहा था, मुझे गैस था ही, तो मैंने बहुत सारा पानी पिया था, लेकिन मुझे ये भारीनेस कम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि रात को कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन फिर जाके सोचा कि अगर कुछ नहीं खाएंगे तो शायद मुझे ज़्यादा ही गैस हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा चावल ले लिया था दाल के साथ। और ये है मेरा डे 2 वाला लंच। मेरा सुबह का रूटीन वही डे 1 वाला सेम टू सेम था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था। क्या और क्यों मैं बाद में आपको ज़रूर बता दूँगी। तो मैंने पहले ही कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं मुझे भूख ना लगे तो मैं ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाऊंगी, अगर भूख लग जाए तो फिर मैं कुछ खा लूँगी। तो मुझे ब्रेकफास्ट के टाइम के बाद, मतलब कुछ देर बाद मुझे बहुत भूख लगा था, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा सत्तू खा लिया था। मुझे इतना गैस तो होता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, शायद मेरा स्टमक ज़्यादा एम्प्टी हो रहा था इसलिए। फर्स्ट डे की तरह ही सेकेंड डे भी मैंने लंच के 2-3 घंटे बाद दही लिया था, जो मैंने शूट करना भूल गई थी, और फिर मुझे याद आया और मैंने शूट कर लिया। इसके बाद मैंने एक फ्रूट भी लिया, और डिनर में मैंने लंच को ही रिपीट कर लिया, और इसी तरह मेरा डे 2 भी कंप्लीट हो गया। थर्ड डे जो बहुत ही स्पेशल था,
क्योंकि ज़्यादातर मैं 3 दिन तक, 2 दिन तक तो कर लेती हूँ, लेकिन 3 दिन में आके मुझे कुछ उटपटंग सा खाना ही होता है। डे 3 को भी मैंने वही रूटीन किया और ब्रेकफास्ट स्किप किया हुआ था, लेकिन जैसे ये आम देखा मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस आम को काट के खाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं एकदम एम्प्टी स्टमक नहीं थी, इसलिए मैंने फ्रूट्स लेना ठीक समझा। दिन से मुझे थोड़ा थोड़ा लाइट फील होने लगा, मतलब 2 दिन तक जो मैं भारीनेस मुझे फील हो रहा था, 3 दिन तक आते आते वो कम हो रहा था। है मेरा डे 3 वाला लंच, जो कि मैंने रोटी लिया है, चावल नहीं लिया है। मुझे लगा शायद ये थोड़ा सा इफेक्टेड हो। ये इफेक्टेड रहा, इसके बाद मुझे दोपहर के खाने के बाद मुझे अच्छा फील होने लगा, मतलब सेकेंड डे जो मुझे दिक्कत हुआ था वो मुझे थर्ड डे को नहीं हुआ। और ये है डे 3 वाला स्पेशल डिनर, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाया है। रोटी के ऊपर अंडा डाल के पैन में तेल ब्रश करके बहुत ही कम तेल में ये बनाया गया था, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मुझे बहुत अच्छा लगा। और 4th डे में मैंने ब्रेकफास्ट स्किप नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा दही और एक फ्रूट्स ले लिया था। और ये डे 4 वाला लंच, रोटी दाल सब्जी सलाद आलू अंडा, एकदम घरेलू। जब मुझे एक्चुअल में भूख लगता है तो मुझे पता चलता है, सभी को पता चलता है कि मुझे हाँ भूख लगी लगी है। जो पेट का भूख है और जो आंखों का भूख है वो अलग अलग होता है। वो अगर हम समझना चाहे कि ये आंखों का भूख है, ये पेट का भूख है, तो हम समझ सकते हैं। रेगुलर दही खा रही थी, इसलिए डे 4 को मैंने दही स्किप किया और एक फ्रूट्स मतलब तरबूज खा लिया। ये 4th डे तक आते आते मुझे जो जो लगा वो ये है कि मेरा शरीर हल्का हो गया, मेरा लैट्रिन ठीक तरह से हो रहा था, और जो एक गैस गैस था वो चला गया, और मुझे अच्छा लग रहा था, एक्टिव हो रही थी मैं, मुझे इतना लेजीनेस नहीं आ रहा था। डे 5 को भी मुझे भूख लगा था, इसलिए मैंने फिर से सत्तू खाना ही ठीक समझा। और यहाँ पे मैं बता दूँ, हेल्दी मतलब ये नहीं कि मुझे एकदम ही सब छोड़ छाड़ के, सभी छोड़ छाड़ के सिर्फ डाइट करना है। मैं डाइट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं हेल्दी खाने की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो जो बनाया है सब कुछ बहुत ही कम तेल से हेल्दी तरीके से पकाया हुआ है, और मैंने एक टाइम लिमिट किया हुआ कि मुझे इस टाइम के अंदर लंच, इस टाइम के अंदर ब्रेकफास्ट, इस टाइम के अंदर डिनर कंप्लीट करना है। सत्तू खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा दही ले लिया। मुझे लगता है कि हमारा शरीर एक पर्टिकुलर फूड हैबिट से हैबिचुएटेड हो जाता है, जो अगर हम चाहें तो शायद चेंज कर सकते हैं। और मैंने अपने दोपहर की चावल खाने की हैबिट को रोटी खाने की हैबिट से बदलने की पूरी कोशिश की, और मुझे लगता है मैंने ये कर लिया। और ये है डे 5 वाला अद्भुत स्टार डिनर, क्योंकि बहुत गर्मी था, मुझे चावल ही ठीक लगा। हम लोग जो जो खाते हैं, सब कुछ खाने का एक पर्पस होता है, और सब कुछ से हमारा शरीर कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब जरूर करता है, विटामिन हो, प्रोटीन हो। और मुझे नहीं लगा कि मुझे एकदम से एकदम स्ट्रिक्ट डाइट में जाना चाहिए। मैं इस तरीके से शुरू करके शायद इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट कभी करूं, लेकिन अब शायद वो टाइम नहीं है कि मैं एकदम स्ट्रिक्ट डाइट करूं। इस 6 दिनों में मैं पहली बार चाय पीने जा रही हूँ, और ये है स्पेशल गुड़वाली चाय, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और ये है डे 6 वाला स्पेशल लंच, जो कि शायद देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही कम तेल में मैंने बनाया है। एकदम 2 चम्मच, टीस्पून जिसको कहते हैं, उस 2 टीस्पून ऑयल में मैंने ये चिकन बनाया है, जो बहुत ही हेल्दी है। और आज भी मैंने दही स्किप किया है और फ्रूट्स ले लिया है, मैंगो फ्रूटी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर हम सब कुछ ठीक ठाक कंज्यूम करें, मतलब खाएं,
तो हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। और इसलिए मैंने ये प्लान किया कि मुझे ये करना है और थोड़ा सा खुद को अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ जाना है। आज है 7th डे, मतलब आज है हमारा लास्ट डे, और आज भी मैंने ब्रेकफास्ट स्किप नहीं किया, आज भी मैंने ब्रेकफास्ट में सत्तू ही खा लिया। और ये लास्ट डे को भी मेरा घरेलू सादा सीधा लंच, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक है, डिनर पे भी मैंने यही बनाया, थोड़ा सा हेल्दी वाला सब कुछ डाल के मूढ़ी। और बाकी का रूटीन मेरा एकदम सेम टू सेम था, दही फ्रूट्स गर्म पानी सुबह से लेके शाम तक मेरा एकदम सेम टू सेम ही था। जो मेरा पहला स्टेप था वो मैंने पूरा करने की पूरी कोशिश की, और शायद थोड़ा सा दिक्कत हुआ, शायद थोड़ा सा मन बहका कि नहीं चलो छोड़ो क्या करना खा लेते हैं चलो कुछ नहीं होता। फोर्थ डे के बाद सेवेंथ डे मेरा बहुत ही अच्छा गया, मैंने बहुत ही तरीके से खाया, फ्रूट्स लिया, दही लिया, अच्छी तरीके से ब्रेकफास्ट किया, अच्छी तरीके से लंच किया, डिनर किया, सब कुछ ठीक ठाक किया और सब कुछ ठीक ठाक हुआ और मेरा होल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। आफ्टर डिनर आफ्टर लंच मुझे लाइट फील होता था कि लगता था कि चलो पेट तो भरा है लेकिन मैं फुल नहीं हो गई, इतना फुल नहीं हो गई कि मैं नहीं चल पाऊँगी। पहले 2 दिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा गैस फैसा हो रहा था, लेकिन 3rd डे से मेरा बहुत ही अच्छा रहा। तो ये रहा मेरा 7 डेज हेल्दी फूड चैलेंज, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ। आप लोग देखो और बताओ कि मैंने कहीं कहीं कुछ गलत किया है क्या, अगर गलत किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बोलना। और मैंने तो अपने आप को नंबर दे ही दिया है, और आप लोग अगर मुझे नंबर देना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका 1 सब्सक्राइब आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो, फिर मिलेंगे अगले चैलेंज वीडियो पे। थैंक यू सो मच।